हे नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पांच ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन्स जो आप परचेस कर सकते हो 30,000 रुपए के प्राइस रेट के अंदर। और आज के वीडियो में जितने भी स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं सभी के सभी जो है काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। और मैंने यहाँ पर सभी टाइप के ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए जो ये लिस्ट यहाँ पर तैयार की है, जहाँ पर मैंने एक गेमिंग स्मार्टफोन भी सेलेक्ट किया है, कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने 5G स्मार्टफोन्स को भी सेलेक्ट किया है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का स्मार्टफोन परचेस करना है तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहे, वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको डेली टॉप प्रोडक्ट, बेस्ट डील्स और ऑफर्स वगैरह बताता रहता हूँ। तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर लिस्ट में जो पांचवें नंबर पर स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर IQ003। ये जो यहाँ पर थोड़ा बहुत आउटडेटेड स्मार्टफोन है क्योंकि काफी पहले जो ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। और ये जो है यहाँ पर एक गेमिंग स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अगर बात कर ले इसके कुछ स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको 8GB का रैम दिया गया है, 256GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है और आप यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते। यहाँ पर जो आपको दो सिम का ऑप्शन मिल जाता है लेकिन एसडी कार्ड का जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले भी जो है काफ़ी अच्छा मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट अगर इसके कैमरास की बात कर ले तो कैमरास जो आपके पास डिसेंट से देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जो एक गेमिंग स्मार्टफोन है तो आपके पास गेमिंग से रिलेटेड फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कैमरा जो आपके पास थोड़ा डिसेंट सा देखने को मिलता है, जहाँ पर पीछे की तरफ जो आपके पास क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें आपको 48 MP प्लस 13 MP प्लस 13 MP प्लस 2 MP का क्वाड कैमरा दिया गया है बैक में, और 16 MP का आपके पास फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि एक इन डिस्प्ले कैमरा है। नेक्स्ट अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4,440 mAh की बैटरी दी गई है और ये वाला जो स्मार्टफोन यहाँ पर 55W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो आपका पर काफी अच्छा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये वाला जो स्मार्टफोन यहाँ पर आपकी 50% चार्जिंग सिर्फ 15 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। तो आपका पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। ओवरऑल जो आपको परफॉर्मेंस होती है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी और गेमिंग वगैरह के लिए भी जो स्मार्टफोन काफी अच्छा है। और कुछ फीचर्स की बात कर ले तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है आपको यहाँ पर, मॉन्स्टर टच बटन के साथ आता है। गेमिंग स्मार्टफोन है तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बटन देखने को मिल जाते हैं गेमिंग के लिए। तो ओवरऑल बात कर ले तो स्मार्टफोन जो है काफी अच्छा है। अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप जरूर से इसे एक बार चेकआउट कर लेना, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। लास्ट में अगर इसके प्राइस की बात कर ले तो ये वाला जो स्मार्टफोन है यहाँ पर 27,990 मतलब 28,000 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें और एक वेरियंट भी अवेलेबल है जिसमें आपको 12GB 256GB देखने को मिलता है और वाला जो स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है जो कि आपको 29,999 में देखने को मिल जाएगा। तो दोनों स्मार्टफोन को आप जरूर से चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में जितने भी स्मार्टफोन बताने वाला हूँ सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए है। तो अगर आपको कौन सा भी स्मार्टफोन परचेस करना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चले पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर रियलमी X3 सुपर जूम। ये भी जो यहाँ पर थोड़ा बहुत आउटडेटेड स्मार्टफोन है, काफी पहले जो ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, लेकिन इस स्मार्टफोन में भी जो आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। बेसिकली ये जो यहाँ पर कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको कैमरा जो है काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और बाकी सब फीचर भी इसमें आपको काफी अच्छे दिए गए हैं। अगर बात कर ले इसके कुछ स्पेक्स की तो इसमें आपको 12GB का रैम मिलता है, 256GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और आप जो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर दो सिम का ऑप्शन दिया गया है लेकिन यहाँ पर एसडी कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी जो है काफी अच्छा मिल जाता है, जहाँ पर आपको 6.57 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। तो डिस्प्ले जो है काफी अच्छा है, काफी स्मूथ डिस्प्ले जो आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट अगर इसके कैमरास के बारे में बात करें जो कि इसका मेन हाईलाइट है, तो यहाँ पीछे की तरफ जो आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें आपको 64 MP प्लस 8 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का क्वाड कैमरा दिया गया है आपको बैक में। और अगर यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी आपको काफी अच्छा मिलता है, जहाँ पर आपको फ्रंट में भी डुअल कैमरा दिया गया है, जहाँ पर 32 MP प्लस 8 MP का आपको डुअल कैमरा दिया गया है फ्रंट में जो कि एक इन डिस्प्ले कैमरा है। और आपका पर कैमरास में भी जो है काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बैक कैमरा में जो आपका पर 60x सुपर जूम का ऑप्शन दिया गया है और इसमें जो आपका पर मैक्स अल्ट्रा इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है। तो वीडियोस अगर रिकॉर्ड करते हो तो आप काफी स्टेबलाइजेशन वीडियोस देखने को मिलेगी आपको, तो वीडियो जो है काफी अच्छा आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो और कैमरा क्वालिटी भी इसमें आपको जो है काफी अच्छी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4,200 mAh की बैटरी दी गई है और ये वाला जो स्मार्टफोन है यहाँ पर 30W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो आपका पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी जो है काफी अच्छा मिल जाएगा। और लास्ट में अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको प्रोसेसर जो है काफी अच्छा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर दिया गया है। तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी देखने को मिलेगी और गेमिंग वगैरह के लिए भी जो स्मार्टफोन काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपका यहाँ पर प्रोसेसर जो है काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर दिया गया है, 855 प्लस का आपका यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है
तो काफ़ी अच्छी ओवरऑल आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। और यार जो स्मार्टफोन है यहाँ पर लिक्विड कूलिंग 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो हीटिंग इशू भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। और इसमें भी जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में दिया गया है, इसमें जो आपको सभी टाइप के फीचर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको काफ़ी बड़ा एक माइनस पॉइंट भी देखने को मिलता है कि इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। तो इस बात को आप जरूर से ध्यान में रखना कि आपको जो है इसमें हेडफोन जैक नहीं मिलने वाला। और ओवरऑल बात कर ले तो स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलता है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और कैमरास में आपको फीचर भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। चाहे लास्ट में अगर इसके प्राइस की बात कर ले तो 29,999 मतलब 30,000 में आपको वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो जरूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आ जाता है वो आपको सैमसंग जैसे ब्रांड की तरफ से देखने को मिलता है, जो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F62। तो ये जो है काफ़ी अच्छा एक स्मार्टफोन है, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो एक सैमसंग का स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं 25 से 30 हज़ार रुपये के प्राइस के अंदर। तो ये वाला स्मार्टफोन भी जो है काफ़ी अच्छा एक स्मार्टफोन है। अगर बात कर ले इसके कुछ स्पेक्स की, तो इसमें आपको 8 GB का रैम दिया गया है, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसे आप चाहे तो यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं 1 TB तक, मतलब 2 SIM एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम डिस्प्ले की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फ्लैश डिप्लेट डिस्प्ले दिया गया है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, वैसे भी जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन होते हैं उनमें आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो इसमें आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया गया है। अगर हम कैमरास की बात करें तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा दिया गया है, जो कि 64 MP प्लस 2 MP प्लस 5 MP प्लस 5 MP का आपको क्वाड कैमरा दिया गया है बैक में। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 MP का आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि एक इन डिस्प्ले कैमरा है। अगर हम यहाँ पर बैटरी की बात कर ले, जो कि इस स्मार्टफोन का एक मेन हाईलाइट है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको 7000 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है। और आपको यहाँ पर 25 वाट्स का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक दिया गया है और बैटरी आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर प्रोसेसर का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सैमसंग का ही प्रोसेसर दिया गया है, जो यहाँ पर सैमसंग एक्जिनॉस 9825 का आपको यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है सैमसंग जैसे स्मार्टफोन के लिए। आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और गेमिंग वगैरह आप इसमें कर सकते हो। और इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में दिया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको यहाँ पर प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बात करें तो ये वाला स्मार्टफोन भी जो है काफ़ी अच्छा है, सैमसंग जैसे ब्रांड की तरफ से आता है, तो यहाँ पर आपको ब्रांड वैल्यू भी देखने को मिल जाती है। तो स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा है, लास्ट में अगर इसके प्राइस की बात कर ले तो 25,999 मतलब 26,000 में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर OnePlus Note 5G। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, एक टाइम पे जो इसका काफ़ी हाइप हुआ था, क्योंकि लिए OnePlus जो है पहले बार अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा था, तो उस टाइम पे जो इसका काफ़ी हाइप हुआ था और काफ़ी लोगों ने इसे परचेस भी किया था। और स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर बात कर ले इसके कुछ स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको 12 GB का रैम दिया गया है, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, SD कार्ड का सपोर्ट नहीं दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पर डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक सिम आप यहाँ पर 5G का भी यूज़ कर सकते हो, एक यहाँ पर 4G का यूज़ कर सकते हो। तो 5G प्लस 4G का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले की बात कर ले तो 6.44 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 90Hz का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पर 90Hz का डिस्प्ले दिया गया है, एमोलेड डिस्प्ले भी है, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर हम कैमरास की बात कर ले तो पीछे की तरफ जो आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा दिया गया है, जहाँ पर आपको 48 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP प्लस 2 MP का क्वाड कैमरा मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 MP प्लस 8 MP का डुअल कैमरा दिया गया है फ्रंट में, जिसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर बैटरी का बात कर ले तो यहाँ पर आपको 4115 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। और ये वाला जो स्मार्टफोन है 30 वाट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर प्रोसेसर का बात कर ले तो इसमें आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर दिया गया है, तो प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और गेमिंग वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। और इसमें जो आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है, जो कि Android 10 पर बेस्ड है, जो कि एक लेटेस्ट OS है, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन OS का भी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो ओवरऑल बात करें तो स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा है, OnePlus की ब्रांडिंग आपको मिलती है यहाँ पर। स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा है, लास्ट में अगर इसके प्राइस की बात कर ले तो 29,999 मतलब 30,000 में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो जरूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर जो लास्ट स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर Realme X7 Pro। ये भी जो है काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और ये जो एक 5G स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको 5G प्लस 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात कर ले और कुछ स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको 8 GB का रैम दिया गया है, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है,
यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं देखने को मिलता, तो आप यहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर सकते इंटरनल स्टोरेज को। यहाँ पर आपको डुअल सिम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर कैमरास की बात कर ले तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा दिया गया है, जहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दिया गया है बैक में। अगर हम यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि एक इन डिस्प्ले कैमरा है। अगर हम यहाँ पर बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी दी गई है। और ये वाला जो स्मार्टफोन है 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर फुल चार्जिंग सिर्फ 30 से 35 मिनट में कंप्लीट कर देता है, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर प्रोसेसर का बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ का आपको यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और गेमिंग एक्सपीरियंस भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो प्रोसेसर इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और कुछ फीचर्स की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए, जिसमें आपको डॉल्बी साउंड देखने को मिलता है, तो ऑडियो भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और यह फोन जो है काफ़ी स्लिम और लाइट वेट भी है, तो ओवरऑल बात करें तो काफ़ी अच्छा है कि स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं, सभी के सभी फीचर इसमें आपको काफ़ी अच्छे दिए गए। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, 120 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, साउंड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा है। लास्ट में अगर इसके प्राइस की बात कर ले तो 29,999 मतलब 30,000 में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो ज़रूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।